રેકોર્ડ સર્જાશે. 12 લાખ દીવડાઓ અહીં પ્રજ્વલિત કર્યા છે અને પોતાનામાં જ એક રેકોર્ડ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સૌથી પહેલા અયોધ્યામાં જ્યારે દિવાળીની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી 2 વર્ષ અગાઉ, ત્યારે ત્યાં 5 લાખ દીવા એકસાથે સળગાવીને અહીં વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ગત વર્ષે 6 લાખ દીવડાઓ પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતા અને આ વખતે તેનાથી ડબલ એટલે કે 12 લાખ દીવડાઓથી દિવાળીની અહીં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. જે આપ જોઈ રહ્યા છો કે અયોધ્યામાં ચારે તરફ રોશનીનો માહોલ હાલ જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં દીપોત્સવને કારણે એક અલગ જ રોનક જોવા મળી રહી છે. इस भव्य लेजर शो को, इस प्रोजेक्शन मैपिंग को देखने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए सभी वॉलेंटियर से, सभी बच्चों से, छात्र छात्राओं से निवेदन है कि कृपया नीचे बैठ जाएं, अपना स्थान लें. आज मेरी अयोध्यापुरी अति आनंदित है. गलियां चहक उठी हैं. अयोध्या वासियों के प्रतीक्षारत नेत्र अधीर हो रहे हैं. तो आपकी उत्सुकता को और नहीं बढ़ाते हुए बता दूं कि आज ये आनंद, ये अधीरता और ये प्रतीक्षा है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के लिए, जो उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य लव और कुश को सुनाई थी. आज महर्षि वाल्मीकि स्वयं पधार रहे हैं मेरी अयोध्या में. अपने आराध्य राम की कथा सुनाने, हमें राम की मर्यादा बतलाने. बारंबार कृतज्ञ प्रणाम है धरा के इस परम भाग्यशाली अंश को, राम की पावन पवित्र जन्मभूमि को. इक्ष्वाकु वंश प्रभ वो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी. मैं केवल राम कहूं तो मर्यादा के समस्त सर्वोच्च मापदंड स्वतः परिभाषित और स्थापित हो जाते हैं. फिर भी मैं उन आदर्शों को बार बार रेखांकित करता हूं जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं. अयोध्या नगरी से देवलोक तक हर्ष की ध्वनियां गूंज उठी हैं.
दिलों की नाथ प्रभु श्री राम ने माँ कौशल्या की कोख से प्रकट होकर पृथ्वी लोक को धन्य कर दिया है। नारायण के बाल स्वरूप के दुर्लभ दर्शन कर देवी कौशल्या कृतज्ञ हो रही हैं। उनकी बाल लीला देखने को लालायित हो रही हैं। माता की मौन आज्ञा का पालन कर राम आनंदित हो रहे हैं।